दोस्तों आज अपने किचन में चल रहे हैं चने सूप के घाटी बनाने के लिए। दोस्तों आसान तरीका बिल्कुल है, बिहार के मशहूर है दोस्तों घाटी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जितने माता बहनें भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। तो सुबह में बज रहा है 6, इस समय चल रहे बच्चों को टिफिन तैयार करने के लिए, तो हम सोचे लाइए आप लोग को भी मेरी रेसिपी को शेयर कर दें। तो चलिए बनाते हैं, क्या देखिए हमारे वीडियो बने रहिएगा आप लोग। तो यहाँ पे जैसे देखा है सुबह में लाइट हम लोग को नहीं रहता है, तो पानी यहाँ पे पापा के लिए गर्म हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने आटा ले लिया है गेहूँ का। यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कि किसी के घर में घाटी नहीं रहता है, तो घाटी कैसे बना सकते हैं घर में आसान तरीके से। तो यहाँ पे बेसन को हमने लेकर भून लिया है हल्का सा, तो बेसन को इसमें डाल दे रहे हैं। बेसन को भूनने के बाद से इसमें हम डालेंगे प्याज को, बिल्कुल बारीक काट लिए हैं। तो चने सूप घाटी कैसे आप बना सकते हैं आसान तरीके से, यहाँ पे इसको हम डाल दिए। डालने के बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे मिर्ची खलबट्टे में, यहाँ पे लेंगे अदरक, यहाँ पे लेंगे लहसुन को, इन सभी को दरदरे कूटेंगे। अब इसके में हींग डाल देंगे। हींग जैसे देखते हैं हमारे पाचन के लिए हींग जैसे रहता है, अजवाइन रहता है, बहुत फायदेमंद रहता है। तो हमारे पास अजवाइन नहीं है, तो आप अजवाइन भी इसमें डाल सकते हैं आधे चम्मच। यहाँ पे हम हींग डाल रहे हैं। हींग डालने के बाद से डालेंगे धनिया पत्ती। तो आपके घर में बेसन जैसे है तो बेसन से भी आप घाटी बना सकते हैं, तो हम भून लिए बेसन को हल्का सा। उसके बाद इसमें डालेंगे नींबू का रस। आप यहाँ पे हरा मिर्चा डाल सकते हैं, हरा मिर्चा से जो है टेस्ट बहुत काफी अच्छा आता है। इसमें एक नींबू का रस हमने डाल दिया है। मिला रहे हैं, एक कूट के डालने में बहुत काफी टेस्टी लगता है, स्वाद इसका बढ़ जाता है, घाटी बहुत काफी टेस्टी लगता है। अब यहाँ पे हम डालेंगे, इसमें आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, स्वाद के अनुसार से नमक डालेंगे। हमारे पास जवाइन नहीं है, तो हम जीरा को हाथ से मसल के डाल दे रहे हैं। जीरा डालने के बाद से हल्के से इसमें हल्दी डालेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हाथ से मसल लेंगे। इसमें भरा मिर्चा आप डालेंगे, तेल डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बाकी यहाँ पे 2 चम्मच हम सरसों के तेल डाल दे रहे हैं। अब सभी चीज को इसमें अच्छे से हम मसल लेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके हर वीडियो आप लोग को हर समय भी इसी तरह मिलते रहे। यहाँ पे देखिए हमारा मसाले तैयार हो चुका है घाटी बनाने के लिए। तो मसाले को अच्छे से मिला लिए, तो मसाले इस साइड कर दे रहे हैं। आप डोल ले लिए हैं, तो आटे में डालेंगे हल्का सा नमक। आप यहाँ पे अजवाइन भी डाल सकते हैं आधे चम्मच, अजवाइन हमारे पास इस समय नहीं है। अब आटे में मिलाकर अच्छे से इसका एक डो तैयार करेंगे। घाटी को थोड़ा सा टाइट करना चाहते हैं, तो इसमें 3-4 चम्मच आप जैसे रिफाइंड तेल को मोयन कर सकते हैं, तो हम नहीं उससे मोयन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नरम बनाएंगे, सारे तरीके से बनाएंगे इसको हम। जैसे देखते हो टाइट रहता है, जब रख जाता है फिर चिमट टाइप में हो जाता है, तो इसलिए नहीं बच्चों को टिफिन देना है, तो इसमें तेल बिल्कुल नहीं मोयन करेंगे। आप लोग मोयन कर सकते हैं तेल को भी। हम मसल मसल के डो को चिकना कर रहे हैं, जैसे रोटी के लिए डो हम करते हैं बिल्कुल उसी तरह डो तैयार कर रहे हैं। घाटी का दूध थोड़ा सा टाइट रहता है जैसे देखते हैं मैदे के बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा रिफाइंड तेल मोयन करना चाहिए, वो घाटी खस्ते कुरकुरे बनता है हमारा। छोटे छोटे इसका हम गोले लेंगे, इसके हम चटनी करेंगे। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, इसे आप लिट्टी भी बोल सकते हैं, छनोई लिट्टी भी बोल सकते हैं, इसको आप घाटी भी बोल सकते हैं। इधर देखा है चाय के लिए दूध भी चढ़ा दिया है। यहाँ पे हम रिफाइंड तेल डालेंगे,
आज सरसों के तेल दोनों मिल मिक्स करके हम बनाएंगे घाटी को आज। तो घाटी को जैसे देख रहे हैं इस तरह से हमने इसको चिपटे कर रहे हैं हाथ से, दोनों तरफ से हाथ दबा के। तो गेहूँ के आटे घाटी जो है आप बनाकर इसको रात भर के लिए रख सकते हैं, क्योंकि एक आर टाइट चिमर नहीं होता है, इसमें तेल का मोइंग देंगे आप तो चिमर हो जाता है। वही घाटी जो है आप किसी को सफर के लिए घाटी तैयार कर रहे हैं आप बनाकर, तो उसमें प्याज लहसुन बिल्कुल मत डालिए आप, जैसे देखे हैं अदरक है, भरा मिर्चा है, नींबू का रस रहता है, चाहे आपके पास भरा मिर्चा नहीं हो तो नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने घाटी बना रहे हैं, सफर के लिए बनाते हैं आप तो बिल्कुल प्याज लहसुन इसमें मत डालिए। हमने तैयार कर लिए हैं, तो घाटी जैसे मीडियम आज भी पकाना चाहिए, जैसे अंदर से कच्चे मत रह जाए, तो इसमें घाटी को डाल दे रहे हैं। एक बार में यहाँ पे चार घाटी हम पकाएंगे। तो यहाँ पे घाटी देख रहे हैं काफी अच्छे से हमारा घाटी फूल रहा है पहले यहाँ पर, इधर जैसे देख रहे हैं हमारा चाय भी पक रहा है सुबह में। तो सुबह में डेली हमारे घर जैसे देखते हैं काला चाय बनता है, सुबह में सब लोग काला चाय पी देते हैं, उसके बाद दूध वाला पीते हैं, लेकिन आज दूध बच गया था ज्यादा दिन करके, तो हम सोचे लाइए चाय बना दें। हमारा घाटी भी तैयार है चाय के साथ में, तो आप बच्चों को टिफिन के लिए इस तरह से बनाकर दे सकते हैं। घर पे जैसे घाटी नहीं रहे, कुछ लोग सोचते हैं कैसे घाटी बनाए, तो बेसन को भून के आसान तरीके से घाटी आप लोग बना सकते हैं घर पे। तैयार भी हो रहा है, शोर भी मचा रहे हैं बच्चे घाटी करते हैं। यहाँ पर देखिए घाटी को हम इस तरह से बनाकर निकाले, बहुत काफी देर की घाटी हमारा बनके तैयार हो चुका है, देख रहे हैं आप लोग। तो इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइए अगर क्या बोल सकते हैं आप लोग। तो हमारी तरफ घाटी बोला जाता है इसको, अब बिहार में जैसे देखते हैं इसको सब लोग लिट्टी बंद बोलते हैं। जितने मीठे वाले पकाएंगे उतने काफी टेस्टी बनेगा। और इसको बीच में से इस तरह से डुलाना है आपको, नहीं तो बीच से जलने लगता है। फिर इसको पलट लेंगे इस तरह से, मीठा वाच में पकाने पे रहता है कि कुरकुरी थोड़ा सा हो जाता है हमारा, और काफी अच्छे से पक जाता है, कच्चे का डर नहीं रहता, बिल्कुल बीच में कच्चा रह जाएगा। अब चाय भी इधर हो चुका है हमारा, तो चाय को गैस को बंद कर रहे हैं। अब काफी अच्छे से घाटी हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके साथ में आप मिर्ची भी भून सकते हैं इस तरह से। मारे खुशी में सब घर भर लोग सड़ोगे लगाएंगे। तो कैसा लगता है वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।